ये देखो भाई का एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी भाई की स्लिप कर गई है, तो ये देख सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग अभिषेक तिवारी ब्लॉग्स। तो अभी आज हम लोग रेडी हो चुके हैं क्योंकि हम लोग का आज फिर सेकंड पेपर है। कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि पेपर देने गए थे, बीए का पेपर स्टार्ट हो चुका है हमारा। तो भाई हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब फिर से वेट करते हैं सूरज का, वो आएगा फिर चलेंगे, बाकी फिर आपको दिखाएंगे भी। और बहुत गर्मी है तो देखते हैं भाई। रास्ते में उस दिन तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी, रास्ते में जाना और फिर इतनी तेज़ धूप, आज तो भाई बहुत धूप भी बहुत तेज़ है, तो देखते हैं। इसलिए हमने पूरा अपना तैयारी करके रखी है, पूरा मुँह बांध के ही जाएंगे, फिर बाकी आप लोगों को दिखाएंगे भी रास्ते में। तो भाई लोग अभी टाइम है पेट्रोल भरवाने का, तो अभी भरवाते हैं पेट्रोल और रेट देख सकते हैं आप लोग। ये भाई ने पेट्रोल भरना स्टार्ट किया है और उधर हमारे पैसे जा रहे हैं ये देखिए। और भाई पेट्रोल का रेट देख सकते हैं आप लोग। और ये हमारी हो गई टंकी फुल, फुल तो नहीं हुई फिर, इतने में तो नहीं होती इसको तो। भाई गाड़ी भाई एक्सीडेंट हो गया, भाई के प्यार यहाँ। ये देखो भाई का एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट क्या, गाड़ी स्लिप कर दी थी, भाई ने डिस्क ब्रेक मार दी थी, तो ये कहो ज़्यादा उसको लगा नहीं है पैर है गाड़ी है ये देखिए। और भाई ने गलती ये कर दी थी, डिस्क ब्रेक मार दी थी, ये कहो भाई हेलमेट लगाया था तो उसको कुछ हुआ नहीं, आगे क्योंकि ट्रक जा रहा था और पीछे से भी गाड़ियाँ आ रही थी। ये देखिए कैसे चल रही है, मेन रोड है ये तो, ठीक है। अभी ज़्यादा चोट वोट नहीं आई, गाड़ी भी सही है, तो फिर अब हम लोग चलते हैं भाई, टाइम हो रहा पेपर के लिए। तो भाई लोग यहाँ पे हम लोग हैं रास्ते में, अभी हाईवे में जा रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं हम लोग। और भाई धूप का तो क्या ही कहना है, देख सकते हैं कितनी धूप है। और हम लोग ऐसे भाई बांधे हैं पूरा अपने आप को फुल, अच्छे से हम लोग बांध नहीं पा रहे हैं क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, बार बार निकल जा रहा है। और अभी हम लोग जाते हैं, थोड़ा ही टाइम लगेगा हम लोगों को जाने में। और भाई ये देखो पूरा पैक है और हम लोग को इतने अच्छे से बांधना आता नहीं है। और वो भाई को देखा होगा आप लोगों ने, एक्सीडेंट हो गया था उसका, वो एक्चुअली उसने डिस्क ब्रेक मार दी थी, ये कहो कि उसने हेलमेट पहन रखा था तो काफ़ी सेफ हो गया था, तो इसलिए गाड़ी चलाया करिए तो हेलमेट ज़रूर रखा करिए। हमें तो गाड़ी ही नहीं चलानी आती तो भाई हमें तो हेलमेट की ज़रूरत ही नहीं है। अबे भाई क्या कर रहा है, ये देखिए भाई क्या है ये, भाई लोग ये देखो गाड़ी कैसे उठाई जा रही है, भाई एक्सीडेंट हो गया देखो भाई, आज एक्सीडेंट भाई यहाँ पे बन रहा है रेलवे ट्रैक। तो भाई लोग हम लोग पहुंच चुके हैं रायपुर और अब हम लोग निकल रहे हैं कॉलेज के लिए। और आगे ही थोड़ा है, अंदर साइड है रायपुर के, तो अब जाते हैं। तो हम लोग रास्ते में रुक गए हैं क्योंकि सामने रेलवे ट्रैक पड़ रहा है, तो अभी बंद है क्योंकि वहां से रेलगाड़ी आ रही है, इसलिए वहां पे बंद कर दिया गया है। तो देखते हैं थोड़ी देर में खुलता है। और भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, एक और पेड़ के नीचे हम लोग खड़े हैं और वो देखिए ट्रैक्टर में, दिखाते हैं आपको। ये देखिए भाई ट्रैक्टर में सभी लोग कहीं से आ रहे हैं। और ये देखिए शायद ओपन हो गया है, तो अब हम लोग भी चलते हैं और चलते हैं जल्दी से एग्ज़ाम देते हैं क्योंकि टाइम भी हम लोग का हो रहा है। और चल भाई, तो भाई पेपर हो चुका है और अभी हम लोग आए हैं, ये देखिए भाई आए हैं पेड़, ये अमिया के पेड़ के पास। और यहाँ देखिए बहुत बड़ी बड़ी अमिया लगी हैं, अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं टूटने की, तोड़ रहे हैं इसे, देखते हैं कार ये। यहाँ भाई लोग हम लोग आए हैं अमिया तोड़ने और बहुत ऊपर ऊपर लगी हैं उधर साइड, देखते हैं कोई डंडा अंडा ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा तो हम तोड़ेंगे उससे। ये देखो खोज में लगा आ गई, गिर गई रे ये
ये भाई देखो अब यहाँ हमें मिल गए हैं दो टो भाई, देखो कितनी मतलब अच्छी लग रही हैं, अब इसको भी खाएंगे अभी हम लोग। एक सफर है सुहाना, अब खाओ तो ला ले, यहाँ का क्या हो किसने जाना। खट्टी है सही में, बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा। तो भाई हम लोग आ चुके हैं सरवनखेड़ा, आप लोग देख सकते हैं सरवनखेड़ा की मार्केट में, और हमें यहाँ बहुत खट्टी है। बतासे खत्म हो चुकी है, बतासे देखिए पीछे कैसे भीड़ लगी है, वो भी खत्म हो गए। तो भाई लोग दो अमियाँ मिल पाई हैं और अभी हम लोग आए हैं बताशे की दुकान में, देख सकते हैं भाई भीड़। और हम लोग आए हैं भाई की दुकान में बताशे खाने, काफ़ी अच्छा मतलब बताशे रहता है भाई, और यहाँ पे काफ़ी फेमस भी है, और देख सकते हैं आप लोग भीड़ से ही आप लोगों को पता चल सकता है। और ये देखो भाई बताशे आने शुरू हो गए हैं, और ये इसको देखो इसके हाथ में टैटू देखो, ये इसने बैठे बैठे ये ख़त्म, ये हमारे भी आ गया भाई। ये पीछे आप लोग ये देख सकते हैं धुआं, तो अभी अभी एक ट्रक का टायर फटा है, तो वहाँ पे धूल उल थी शायद, तो बहुत तेज फटा है देख सकते हो। तो भाई लोग हम लोग पहुँच चुके हैं बर्रा आठ, और ये देखिए पुल के नीचे कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। तो अभी हम लोग जाते हैं घर। तो आज का ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा, और नया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।